जैविक खेती के बहुत से गुण हैं, चाहे वो हमारी ज़मीन के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो खेती के लिए भी हो। पर क्या आप जानते हैं, अगर हम जैविक खेती करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं का उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यही जानने के लिए आज हम केड़िया गाँव, जमुई बिहार के इस गाँव में हैं, जहाँ पर हम महिलाओं से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाँव जो पिछले कुछ सालों से बिहार का पहला जैविक गाँव इसको बोला जाता है, जब से यहाँ पर किसानों ने जैविक खेती करना शुरू किया है, तो महिलाओं के जीवन पर उसका कितना अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वो आज ग्रामीण महिलाएं हमें ये समझा रही हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने जैविक खेती शुरू करी है, उसमें आपका और आपके परिवार की सेहत पे क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ता है। बीमारी के लिए डॉक्टर में बहुत पहले जाते थे, अब जब से वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो बच्चा राहत के लिए, बच्चा का भी राहत है, हम लोग का भी राहत है। हम 10 साल पहले खेती करते थे तो थोड़ा खेती में प्रॉब्लम होता था कि रसायन खाद देते थे तो उसमें था जैसे हाथ उद वगैरह रहता है तो फुंसी हो जाता था, लेकिन अब ये वाला खाद दे वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उसमें नहीं होता है। और उसमें क्या होता है, पशु शेड बनाए, पशु शेड में बरसात का दिन में थोड़ा भैंस है गाय है पूरा कीचड़ा में रहता था तो हम लोग भी दिक्कत में रहते थे, गोबर उठाते थे, उसका मूट साफ करते थे, तो अब वो सब आसान चीज़ बढ़िया से कर सकते हैं। केड़िया में जो ऑर्गेनिक खेती की जो शुरुआत हुई तो 2014 से शुरू हुई थी। यहाँ के महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है इस ऑर्गेनिक खेती में, और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ये महिलाएं, पहले तो हम लोग बर्मी कंपोस्ट जो बनाए थे तो ज़्यादातर महिलाओं के माध्यम से ये काम शुरू हुआ, महिलाओं इसको बर्मी कंपोस्ट बनाने लगी, और वो क्या कि पुरुष करते हैं लेकिन ज़्यादा काम महिलाएँ करती है। बर्मी से तो हम लोग 5-7 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको फ़ायदा दिखा बर्मी से करके? फायदा से तो यही दिखा रहा है कि उस जो कि बर्मी खाद से जो करते हैं ना तो उसे कि कबो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता था, एक बात। दूसरा की है कि कबो करे खाने पीने में भी अच्छा स्वस्थ रहता है, और खाद ही वाला तो तुरंत मैंने कि जो कि आध आए खुना खाद डालते थे एक महीने बाद नहीं जो डालते थे कोई भी चीज़ में, गहूँ में नहीं तो धान में तो नहीं हो पाता था ऐसी, अभी जो कि बर्मी खाद देते हैं तो हो जाता है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाए थे, बायोगैस प्लांट में पर डे 25 किलो गोबर 25 किलो पानी मिला के पर डे उसको देना है, वो जो सैलरी फिर बायोगैस बर्मी कंपोस्ट में जाता है, उसका जो गैस निकलता है उससे फिर खाना बनाता है, ये काम भी महिलाओं के द्वारा होता है। पशु सेट पर से नदी में डालते हैं, नदी में घोर के अब बायोगैस में डालते हैं, इसमें डालते हैं। अच्छा। इस स्थिति की काबो कर इसमें जाता है, और इस स्थिति उधर देखिए पाइप लगा ले, उस स्थिति बायोगैस में चलती बर्मी बेड में चल जाता है, हाँ अपने आप। और उस स्थिति पाइप स्थिति चल जाता है बायोगैस में बर्मी बेड में, अब बर्मी बेड से देखिए गैस इधर चल जाता है, गोबर उधर आ गैस इधर, पाइप माँ चूल्हा जलाए ना। अच्छा। इसे जाता है यही पाइप स्थिति, यही पाइप से देखिए जो वहाँ पाइप लगा हुआ वही पाइप स्थिति वहाँ जाता है, और ये पाइप आपकी रसोई में जा रहा है। हाँ। तो जब आप गोइठा चूल्हा में डाल के करती थी तब उससे क्या क्या आपको परेशानी होती थी? बहुत असर, धुआं आँख पर असर आता है ज़्यादा, हाथ भी खराब होता है, गोबर ठोकते हैं तो भी हाथ में भी खराबी आता है, दिमाग आती है, वो सबसे तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि हम लोग जो पशु सेट यहाँ पे बनाए हैं, जो गोबर हुआ है गौमूत्र होता है, जो गोबर का बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और जो गाय का पेशाब होता है जो अमृत पानी बनाते हैं, उसमें 1 किलो गोबर देते हैं, 1 किलो गौमूत्र देते हैं, 1 किलो बेसन, 1 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो आग की पत्ती, मिट्टी होता है जो पीपल के पेड़ का तर रहता है, उसमें खाद नहीं रहता, रसायन खाद नहीं रहता है, वही वाला देकर, और 200 ग्राम गुड़ उसके मिलाकर अमृत पानी बनाते हैं, वही वाला जो खेत में डालते हैं या छिड़काव करते हैं, नहीं तो बरसात के दिन में ऐसा दे देते हैं तो जड़ में कीड़ा नहीं लगता है।
पहले क्या था कि प्रयोग रासायनिक का होता था तो वो निकोनी वगैरह करने जाती थी तो कीटनाशक का प्रयोग होता था, तो वो जो निकोनी वगैरह करती थी उसमें उसको हाथ में फोड़ा वगैरह हो जाता था, तो उससे उसका बचाव हो गया। प्लस क्या है कि यहाँ की मानदनाओं में अब ये पैसा तो लगता नहीं है रासायनिक खेती में, तो वो जो पैसा बच रहा है वो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। जैविक खेती जब से कि जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं तब से इतना सुविधा है कि जो कि पहले जो है गेहूँ लगाते थे, धान लगाते थे तो 2 बोरा खाद लाते थे तो 1200 रुपया बोरा देता था, और या DAP जो भी रहता था तो देता था। तो अभी जो जैविक वर्मी कंपोस्ट छिटते हैं तो वो 1200 रुपया बचत जैसे होता है, तो बच्चे को बढ़िया कपड़ा देते हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई में टेंशन नहीं होता है। जिस समय कि वर्मी कंपोस्ट नहीं था तो रोपा के टाइम आ गया तो उस समय पैसा झड़ जाता था, बच्चा अगर किताब मांगता था पैसा नहीं हो सकता था, कलम मांगता था पैसा नहीं हो सकता था, बीमारी भी रहता था तो जो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे। और जब से कि वर्मी कंपोस्ट देने लगे तब से कभी भी मतलब पैसा का खेती के टाइम में कमी नहीं होता है। जिस तरह की यहाँ पे महिलाएं कर रही है काम, इसको देख के और महिलाएं भी जागरूक हो और धन्यवाद देते हैं यहाँ की महिलाओं को जो कि बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे अपने खेतों को, अपने बच्चों को, अपने पर्यावरण को, अपने अनाज को शुद्ध उगा के अपने बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा खाद है, हाथ में भी नहीं लगेगा, देखिए खूब लगाइए ना तब भी नहीं लगेगा, तब भी साफ रहेगा हाथ, देखिए है ना।